बीमारी फैलाउण दे विच सब तो वड्डा योगदान इस ट्रांसपोर्ट माफिया के मालक नाल। मैं यह भी लिखा भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं करनी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चलाने वाले परिवार के मुखी के नाल सीधी डायरैक्ट हॉटलाइन पर गलबात है। बहुत सारे चैनलों के कल वाली खबर जी वाश करा दी डिलीट हो गई तो अच्छ बहुत सारे नैशनल चैनल बैंस के खिलाफ तुरे हुए हैं। बीती कल लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस वालों ट्रांसपोर्ट माफिया खिलाफ लाइव रेड की गई जिस तो बाद उन्होंने एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालक खिलाफ कई संगीन दोष भी लगाए। इस तो बाद अज फिर लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस वालों ट्रांसपोर्ट माफिया खिलाफ गंभीर दोष लगाए गए हैं। सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि इस निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालक कारण देश विच कोरोना फैल रहा है तो उन्होंने नाले भी कहा कि इस बाबत उन्होंने एक चिट्ठी देश के दे प्रधानमंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री भेजी है जिस विच उन्होंने कहा कि उन्होंने वालों लिखा गया कि इस निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालक सूबे की सरकार नाल मिलिया होया तो जिस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों भी किसी तरह की कार्रवाई इन्हों उत्ते नहीं की जानी। कल जिहड़ा करोना वर्गी भयानक बीमारी के दौर दे विच गरीब लोगों नूं लुट्टिया जा रहा सरकारी खजाने नूं चूना लाया जा रहा सब तो जिहड़ी अत्यंत गंभीर गल हैगी कि देश दे विच करोना बीमारी फैलाउण दे विच सब तो वड्डा योगदान इस ट्रांसपोर्ट माफिया के मालक का क्योंकि यह बसा यह मत सोचो भी यह कोई 2-4, 10, 20, 50 बसा है ने पूरे पंजाब दे विचों जिलों चों वड्डे कस्बों के सब डिविजनों के तहसीलों के तकरीबन 1000 तो लैके 1200 बस रोजाना जाती कि बिहार यूपी उत्तराखंड हिमाचल राजस्थान दिल्ली। हुण तुसीं एक अंदाजा लाओ भी जिहड़ा यात्रु ये बस के 2 नंबर से लैके 14 दिन लिए क्वारंटाइन सेंटर से रख के 15वें दिन वह दोबारा टैसट कर दिया जे वह रिजल्ट नैगेटिव आ जाता फिर उन्होंने घरें पहुँचता कर दिया ये की करता ये बसा भरता इतों इन्हों सारे 6-7 राज्यों के लैके जाता बंद ले जा के उन्होंने जिले के बाहर जी मेन सड़क उत्थे मल्लक चारे बस रोकते तारद बंदा अपना समान चकता तो मल्लक चारे अपने घर से जा बढ़ता। हुण तुसीं दस दिओ करोना की बीमारी वधू घटू यह सब तो वड्डा अत्यंत गंभीर जिहड़ा घनौना काम किया जा रहा। सो मैं देश के प्रधानमंत्री देश के गृहमंत्री देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री एक मेल की लाइव लिंक नाल सेंड किया उन्होंने भी तुसीं आ लाइव सुन लो देख लो सारा कुछ कि करोना की बीमारी वधाउण वास्ते जहाज ट्रांसपोर्ट देश के अंदर सब तो घनौना काम चंद्रपइयां की खातर कर रहा है। नाल मैं यह भी लिखा भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं करनी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चलाने वाले परिवार के मुखी के नाल सीधी डायरैक्ट हॉटलाइन पर गलबात है। पहला अकाली बीजेपी सरकार के दौरान हॉटलाइन बादलों नाल हुंदी सी इस बंदे की। हुण तुसीं तकाजा ला लो भी ये बंदा एडा पावरफुल आ अपनी ताकत ते सरकार का दबाव। बहुत सारे चैनलों के कल वाली खबर जी वाश करा दी डिलीट हो गई तो अच्छ बहुत सारे नैशनल चैनल बैंस के खिलाफ तुरे हुए है वो बैंस के उल्ट खबर क्योंकि केबल माफिया कि जो फास्ट वे है वह भी ये जहाज ट्रांसपोर्ट के मालक का ही है। सो वो फास्ट वे केबल माफिया पंजाब दे विच नैशनल चैनलों ब्लैकमेल करके बेचारे मजबूरी बस वो उल्ट खबर लाने तुल गए। इन्हें नहीं सिमरजीत सिंह बैंस वालों होर कई तरह के दोष भी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालक उत्ते लगाए गए ने ते उन्हां कहा कि उन्हां वालों लगाए जा रहे दोष कोई पोलिटिकल पबलिसिटी लई नहीं ने बल्कि वह दुध का दुध ते पानी का पानी करनगे। सो मैं थोड़ा ऋणी हाँ थोड़िया दुआला शेरिया का ऋणी हाँ इन्हां गल्लां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा सच्चाई तुहाडे सामने लैके आउणी लोक इंसाफ पार्टी का मेरे समेत हर मैंबर का जुम्मा है ड्यूटी है साडी वह कोई ताकतवर होवे वह किसी अहुदे ते बैठा होवे इस गल की परवाह नहीं पर सच्चाई दे पिछे सच्चाई ये नहीं कि मैं कोई झूठी माइलेज लैण वास्ते पोलिटिकल माइलेज लैण वास्ते कोई फोकी शोहरत ते वाहवा खट्टण वास्ते किसी के उत्ते चिक्कर सिटदा ये दोस्तों मेरी आदत का हिस्सा नहीं है। सो जिथे सच्चाई आ गई ना
ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਖੈਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।